हज़बिल्लिमिनीम बसमलर रहीम लाइफ यूदसरारेशी की एक और नशिश के साथ मैं हाजिर हूँ अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तोफ़ी अता फ़रमाए आमीन पिछली नशे जरा सख्त थी टॉक्सीटी का लेवल उसमें कुछ आगे था शायद अल्लाह पाक हम सबको बचाए टॉक्सिक टॉक्सीटी से खुद टॉक्सिक होने से और लोगों की टॉक्सिसटी देखने से हमें बचाए रखे बहर आज हम जरा गुफ्तु को थोड़ा सॉफ्टन कर लेते हैं और एक और लोग तरह के बॉसेस की बात करते हैं ये बॉसेस हैं जिनको आप लेस कॉम्पिटेंट कह लीजिए अगर आप इनकॉम्पिटेंट नहीं करना है कहना चाहते इंग्लिश का एक वर्ड है निन कम्पूप ये बड़ा बड़ा आला वर्ड है ये भी निन कम्पूप उस शख़्स को कहते हैं जो जो उस पोजीशन पे आ गया है जिसका वो अहल नहीं है बेसिकली थी। ठीक है और उसको ये पता नहीं देखिए ना दो तरह के लोग हैं ना यानी एक इम्पॉस्टर्स हैं और एक निन कॉम्पूप हैं निन कम्पूप वो हैं जो बैठ गए हैं आके और उनको बिल्कुल इस बात की फ़िक्र नहीं है कि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है उनके ख्याल में वो ठीक हैं एलिजिबल हैं वो मुनासिब आदमी हैं वो उनको ही होना चाहिए था यहाँ पर और इम्पोस्टर वो हैं जो कि बेचारे एक्चुअली इम्पॉस्टर जो सिंड्रोम कहलाता है जो एक्चुअली है, हैं एलिजिबल हैं लेकिन सम इस शुबे में मुबतला रहते हैं कि शायद दे वर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोजिशन बट दे दॉडेड सम हाउ बाय फ्लूक सम हाउ बाय स्ट्रोक ऑफ लक समाओ दे गॉड इट एक्चुअली इसलिए वो अपने आप को समझते हैं कि वो शायद ये बस मैं था, था नहीं भी इसके लिए ज़बरदस्ती आ गया हूँ यहाँ पर तो वो इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार रहते हैं बहरह हम आ, इसकी बात कर आज करना चाहते हैं जो इनकॉम्पिटेंट बॉसेस हैं इनकॉम्पिटेंट बॉसेस का मामला आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल नहीं होता वो ऑबियसली हर चीज़ में अपनी राय का इजहार देना जरूर करना ज़रूरी समझते हैं और उनकी राय हमेशा कच्ची पक्की होती है और वो ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ ऐसी तजावीज़ देते हैं जो खासी ख़ासी बेसलेस होती हैं और जो इम्प्रैक्टिकल भी होती हैं और फिर वो कुछ इंसिस्ट भी करते हैं उसके ऊपर कि नहीं 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 ये बड़ा अच्छा काम है इसको करना चाहिए इस तरह से और वो आप फिर उनकी शक्ल देखते हैं कि ये काम नहीं हो सकता ऐसे नहीं करना चाहिए लेकिन आप उनको कह भी नहीं सकते तो लिहाजा उनकी इनकॉम्पिटेंस किसी ना किसी शक्ल में जाहिर उनकी होती रहती है और जाहिर है जब ये सिचुएशन है तो फिर क्या करेंगे नॉलेज उनका पुअर होता है और उनकी जो भी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है जो कॉरपोरेट की अंडरस्टैंडिंग है जो जो पीपल मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग है ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है so, सो उनके जो रवैये लोगों के साथ हैं वो सख्त नहीं होंगे शायद या वो वेरिएबल होंगे कि अचानक सख्ती कर देंगे अचानक बड़ी नरमी कर देंगे अचानक गले लगा लेंगे अचानक उसको बहुत कुछ कह देंगे सख्त सुस्त तो वो लोग भी बेचारे परेशान ही रहते हैं कि ये क्या हैं इनको क्या किस तरह से इनको ट्रीट करें किस तरह से इनको ले कर चलें कि ज़िंदगी हमारी और इनकी कुछ कुछ आसान गुजर जाए हमारी एनी anyway, कुछ सजेशनस की हम बात कर लेते हैं मेरे ख़्याल में इनकॉम्पिटेंट बॉसेस को मज़ीद डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है अभी वॉल सी इन ऑफ एंड ऑन और नहीं भी है तो देख लेंगे अगर आपने नहीं देखे तो मिल जाएंगे। कभी न कभी ज़रूर मिल जाते हैं देखिए ना एक पूरा सिस्टम है जिसमें लोग मोस्टली मैरिट पे ही आते हैं राइट आ, लेकिन कुछ लोग हैं जो किसी डोर से भी आते हैं उस डोर से मेरी मुराद ये नहीं है कि वो किसी पर्ची पे आते हैं पर्ची पे भी लोग आते हैं और वो भी बहुत से इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जो पर्ची पे आते हैं लेकिन इवन विद इन नी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी पर्ची भी लोग हैं जो समाओ सिर्फ इस बात पे कि वो किसी किसी सीनियर के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया और उसके साथ उन्होंने जैसे भी थे ताल्लुक बना लिए और अब उन तल्लुक की बुनियाद पर वो ग्रो कर रहे हैं अगर आप इंटरनेशनल लिटरेचर पढ़ें तो कुछ साल पहले तक ये ज़िक्र था कि मैंटोर आपका होना चाहिए कोई जो आपको मुस्तकिल सिखाता रहे और आपको ट्रैक पे रखे और आपको रास्ते से इधर उधर ना होने दी ये मैंटोर का जॉब है आज भी है लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो एक नई टर्म ऐड हुई है वो कहते हैं कि मैंटोरिंग काफ़ी नहीं है अगर आप मैंटोर आप ढूंढ भी लेते हैं और आपके पास मेंटोर होते भी हैं तब भी ज़रूरी नहीं है आपके आपकी ग्रोथ आए उसके लिए आपको स्पॉन्सर चाहिए ये टर्म है अब नई कि आपको स्पॉन्सर चाहिए अब स्पॉन्सर वो लोग हैं जो लेट से इफ़ यू आर वर्किंग इन ए कंपनी एंड यू आर लेट से यू यू आर आर मिडल मैनेजर लेकिन सबड़ी हाई आप जो गिब जनरल मैनेजर हैं डायरेक्टर लेवल के आदमी हैं उन तक किसी ना किसी तरह आपकी रसाई है या हो गई है या आपने कर ली है अब ये आपके इस्पॉन्सर बन जाए और वो आपके इंटरेस्ट को वॉच करें और वो इसको इंश्योर करें कि आपकी ग्रोथ पीरियडिकली होती रहे ये कोई ख्याली गुफगू नहीं है ये हो रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है और इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है और बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन में हो रहा है यानी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का नहीं है बड़े से बड़ा जिसमें कि स्पॉन्सरशिप के केसेस नहीं हैं हर जगह पे सियासत में भी हैं सियासत में भी स्पॉन्सरशिप चलती है कोई किसी का हाथ पकड़ लेता है तो वो आगे चल पड़ता है और किसी को स्पॉन्सर नहीं मिलता बाजू का तो बड़ा अच्छा आदमी रह जाता है मैंने कहा ना हर ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन में डिसऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन में हर जगह पे स्पॉन्सरशिप का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो इसलिए ये लोग उधर से आ जाते हैं इनकी कॉम्पिटेंस का तो इशू ही नहीं है सबको पता है ये कॉम्पिटेंट नहीं है लेकिन इनके पीछे सम हाउ समी वेरी पावरफुल स्टैंडिंग बिहाइंड देम एंड ही मेक श्योर कि ये ग्रो करके कहीं ना कहीं पे पहुंचते रहे जहाँ तक भी मैक्सिमम इनको ले जाया जा सकता है इनको ले जाएं। काम तो चलते रहते हैं बाकी लोग हैं ना काम करने के लिए एक आध बंदा नहीं भी करेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे लेकिन ये चूँकि बॉसेस की शक्ल में जब आते हैं तो फिर ये कर, काम करते हुए लोगों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं उससे बचने की ज़रूरत है और उसके बारे में बात आपसे करना चाह रहा हूँ बात फिर वहीं से शुरू होगी चूँकि ये ब, कोई नई टेक्नोलॉजी यहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं आ पाएगी फ़र्क सिर्फ़ ये है कि यहाँ पे आपका ज़रा अपर हैंड है इस सेंस में कि यू नो बेटर और आपको पता है जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं अगर आप ठीक कर रहे हैं एंड यू आर श्योर तो फिर आप उनसे ज़्यादा बेहतर जहनी हालत में हैं इसलिए वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे चूँकि बहरअल इनकॉम्पिटेंट बॉसेस का जनरली रवैया बुरा नहीं होता और टॉक्सिक नहीं होता वो अपनी इनकॉम्पिटेंस भगाड़ते रहते हैं बेशक लेकिन वो टॉक्सिसिटी बहुत क्रिएट नहीं करते रेयरली करते हैं तो इसलिए ज़िंदगी गुजर जाती है उनके साथ तो आप उनका काम चलाए रखिए और अपने काम जारी रखिए यानी कुछ काम आप उनको दिखाने के लिए कर लीजिए कि उनकी तसल्ली होती रहे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और रख लीजिए और खाने के अपने जो दांत हैं वो कायम रखिए और उन पर काम करते रहिए अपनी परफॉर्मेंस को ख़राब मत कीजिए इस वजह से कि अब ये आ गए हैं जी इनकी ऐसी तैसी या ये कि अब जी इन्होंने कह दिया जी बहुत है जी वो उसने कह दिया मुझे पता गलत है लेकिन मुझे तो करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है आप कुछ कर लीजिए जैसे मैंने कहा ना कुछ दिखाने के लिए कर लीजिए उनको लेकिन जो आपका अपना असल काम है और अगर आप वो ठीक कर रहे हैं और वो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स देता है तो आप उसको जारी रखिए अल्टीमेटली उस पर फ़ैसला होगा इस पर नहीं होगा तो एक तो ये है कि अपने आप को ज़ाया मत होने दीजिए चेंज मत होने दीजिए इस सूरत हाल में ज़्यादा आसान है आपके लिए कि आप अपने आप को इंटेक्ट रख सकें अपने काम को इंटेक्ट रख सकें और अपनी परफॉर्मेंस को इंटैक्ट रख सकें दूसरा मामला है आपकी ज़ात का ठीक है इसमें भी इस केस में एज कम्पेयर टू द टॉक्सिक बॉसेस इनकॉम्पिटेंट बॉसिस के साथ काम करने में आपकी पर्सनैलिटी हर्ट होने का अमकानायत कम है इसलिए कि वो आपकी पर्सनैलिटी पे अटैक नहीं कर रहे इसलिए कि वो जैसे मैंने कहा कि वो उनका एजेंडा ये नहीं है उनका एजेंडा तो उनको ख़ुद चूँकि पता है कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं दे नो वेरी वेल इसलिए वो अपने आप को बचा बचा के चलते हैं और लोगों के साथ ताल्लुक अपने बेहतर रखते हैं ताकि किसी न किसी तरह से उनका मामला चलता रहे क्योंकि अगर वो कन्फर्टेशन में चले जाएँगे और अगर लोग काम करना बंद कर देंगे या उनको क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो उनकी तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी वो तो संभाल ही नहीं पाएंगे उसको इसलिए उनकी कोशिश यही होती है कि ताल्लुका ठीक रखें और लोगों को ज़रा चलाते रहें ठीक से मोस्टली खुश रखें उनको और मुनासिब तरीके से चलाते रहें तो आपकी पर्सनैलिटी को को कोई ख़ास कोई ख़तरा नहीं है वहाँ पे कोई ठीक है हाँ एक ख़तरा हो सकता है कि उनको देख दे के कहीं आप उन जैसे ना हो जाए इससे बचने की कोशिश कर लीजिए कि आप आप उन जैसे मत हो जाइए क्योंकि उनका एक अपना स्पेसिफिक मामला है और आपका अपना है आपको अपना हिसाब करना है उनको अपना हिसाब करना है तो अपने अपने हिसाब को अलग ही रखिए आप उससे तीसरी सजेशन ये है मेरी कि ऐसे बॉसेस के की सिचुएशन में एक बड़ी कॉमन एक्टिविटी है जो चल रही होती है हमने भी की है आई वुड नॉट हाइड दैट किसी स्टेज पे एज़ ए जूनियर मैनेजर हमने भी ये काम काफ़ी किया है दैट यू यू नो यू व्हेन यू नो समबडी इज़ नॉट रेडी दैट कॉम्पिटेंट तो फिर आप उनका मजाक उड़ाते हैं उनकी एबसेंस में उनके सामने तो नहीं उड़ा सकते लेकिन उनकी एबसेंस में आप दो चार छः लोग इकट्ठे बैठते हैं और फिर उनकी नकलें उतारते हैं और उनके उनकी गुफगुओ की कॉपी करते हैं और उनकी बेवकूफ़ियों सो so कॉल्ड को हाईलाइट करते हैं आपस में बैठ के और उस पर हंसते हैं और उस पर लगता है कि बड़ा कमाल हो गया बड़े मज़े आ गए आज तो ये मत कीजिए ठीक है ना मे वी वी लर्न टी हार्ड वे कि नहीं करना चाहिए मुनासिब नहीं है ये बात इसलिए नहीं कि ये कोई आई I मीन mean, इसमें कुछ भी नहीं है इट्स इफ्स ए टम्प्रेरी हैप्पीनेस भी नहीं है एक बस ऐसे ही है एक फीलिंग है कि बस हमने बस कुछ कर लिया पता नहीं क्या कर लिया राइट लेकिन हमने कुछ नहीं किया कुछ अच्छा नहीं किया अल्टीमेटली वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स वी आर ऑल लाइवल टू मेक मिस्टेक्स एक्चुअली तो कोई ज़्यादा करना कर लेते हैं कोई कम कर लेते हैं तो ऑन ए वेरी ह्यूमन लेवल आप इसको सिर्फ यही कर लीजिए आप बाकी बातें छोड़ दीजिए कि नहीं यानी बाकी कोई भी कंसड्रेशन मत भी नए ना भी हो आपकी ऑन ए वेरी ह्यूमन लेवल मजाक मत, मत उड़ाइए उनका ना अकेले बैठ के ना ग्रुप में पर्टिकुलरली ग्रुप में मत उड़ाइए मजाक ठीक है कि वो देखिए उसमें होता ये है कि अगर आप छः लोग बैठे हैं और आप ये बड़े ज़ोर शोर से गुफ्तु कर रहे हैं और आपका ये ख्याल है कि हम सब बड़े क्लोज हैं बड़ी हमारी दोस्ती है मजा ले नहीं है किसी की बात ये बात कोई कर जाए कहीं पर ये बात कहीं ना कहीं हो जाएगी आई कैन एश्योर यू और ये बात उन साहब तक पहुँच जाएगी एंड यू फील हर्ट यू नो यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट वो कुछ करेंगे आपका कुछ बिगाड़ेंगे या नहीं बिगाड़ेंगे लेकिन दिल में उनके बाहर एक बोझ आ जा जाएगा आपके खिलाफ जिसको आपको पता भी नहीं होगा और आप निकाल नहीं पाएंगे उसको और ऐसे बोझ जल्दी निकलते नहीं तो इसलिए बेहतर ये है कि उनका मजाक मत उड़ाइए आप आखिरी सजेशन मेरी ये है देखिए इस केस में भी कि स्विच करना इज़ एन ऑप्शन राइट आ, लेकिन नॉट एज अर्जेंट एज एज़ इट इज़ इन देश ऑफ़ दी टॉक्सिक बॉसेज़ यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका रास्ता रुक गया है या रुकने का अमकान है तो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे दूसरी थ्रेट्स नहीं यदि वो थ्रेट नहीं है आपकी पर्सनैलिटी को नहीं है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अंडर थ्रेट नहीं है इसलिए वो आपके वो आप सेफ़ हैं उस लिहाज से लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ माहौल ऐसा हो गया है कि जहाँ पर शायद अब कॉम्पिटेंस की ज़रूरत ही नहीं रही यहाँ पे और वो शायद इन कैश नहीं हो पाएगी तो तो फिर आप सोच लीजिए फिर आप कोई अपने इन योर ओन गुड टाइम अगर आपको जहाँ मुनासिब लगे जब मुनासिब लगे फिर आप स्विच कर लीजिए लेकिन अर्जेंसी नहीं है कोई इसमें ये कंपल्शन नहीं है यहाँ पे इस केस में सो तो अगर मैं इस बात को समअप करूँ तो इन कॉम्पिटेंट बॉसेस की हमने आज बात की है वो लोग हैं जो अपनी जॉब के बारे में अच्छे नॉलेजेबल नहीं हैं और जो कुछ उनके पास स्किल सेट होना चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो उनके पास नहीं है एडिकुएट नहीं है पैची होगा कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे या वॉटवर लेकिन वो एडिकुएट नहीं है यानी वो अपनी जॉब को ठीक से करने के लिए अहल नहीं है लेकिन समाव वो इस पोजिशन पर आ गए और अब चूंकि वो आ गए हैं इसलिए यू नीड टू हैंडल दैम देखिए ना ये सिचुएशन आपको सियासत में बड़ी नज़र आती है यानी मेजॉरिटी ऑफ दी मिनिस्टर्स जो जिस पोजिशन पर आते हैं वो उसके अहल नहीं होते वो पोलिटिकल अपॉइंट होते हैं जो उनके नीचे लेयर है जो सेक्रेटरीज़ हैं फेडरल सेक्रेटरीज़ और उसके नीचे पूरा पैरा है ये ही यानी क्यों कह लीजिए कि ट्रेन लोग होते हैं और इन्होंने बहुत कुछ सीखा होता है तो इनको पता होता है कि मिनिस्टर साहब नालायक हैं उनको खाक हाँ पता नहीं है तो उनको घुमाते रहते हैं घुमाते रहते हैं चलता रहता मामला उनका लेकिन आप अपने बॉस को नहीं घुमा सकते राइट इसलिए कि वो वो इलेक्शन लड़के नहीं आया और उसने दोबारा इलेक्शन लड़ने नहीं जाना ठीक है वो जैसे भी आया है वो आ गया है तो इसलिए उसके साथ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है करने की जो रिलेटिवली इजी है आप उनके साथ उनके उनके जैसे जैसे वो काम हैं वो करते रहिए कुछ वो काम जो कहते हैं वो भी कुछ ना कुछ उनको भी दिखाने के लिए कर लीजिए अगर वो मुनासिब नहीं है अगर वो अच्छे हैं तो ज़रूर कर लीजिए उनको देखिए कोई आदमी जीरो नहीं होता हम बिरऑल शेड्स ऑफ ग्रे यू नो यानी हम में से जो बड़ा अकलमंद आदमी है वो भी ब्लैक नहीं है वो भी कोई डार्क ग्रे होगा शायद और जो हम में से बड़ा ही बेवकूफ़ आदमी है वो वाइट नहीं है वो थोड़ा लाइटर ग्रेड शेड होगा वो इतना से ही फ़र्क है बेसिकली और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दस है और एक नब्बे है ऐसा भी नहीं है वो अगर साठ सत्तर हैं तो ये कुछ चालीस पचास होंगे पचास साठ होंगे करीब करीब ही होते हैं हम बुनियादी चंद एक बातों से हम कॉम्पिडेंस इनकॉम्फिडेंस के लेबल लगाते रहते हैं सो एनी वे तो उनके साथ आप अपना मामला ठीक रखिए एडजस्ट कर लीजिए जो वो कहते हैं उसमें से जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कर लीजिए जो नहीं हैं उनको इधर उधर कर लीजिए जो आपकी प्रॉपर चीज़ें हैं उनको जारी रखिए अपनी परफॉर्मेंस को ख़राब मत होने दीजिए अपनी पर्सनैलिटी को इंटेक्ट रखिए माइंडफुलनेस यहाँ भी काम आती है यानी हु वी आर वेयर वी आर एंड वॉट वी फील वो आपको हर जगह काम आती है तो यहाँ भी काम आती है और जितने उनका मजाक मत उड़ाइए ना अकेले में ना ग्रुप में और पर्टिकुलरली ग्रुप में बिल्कुल मत उड़ाइए क्योंकि ये बातें अच्छी नहीं हैं और ये पहुँच जाती हैं और ये आपको नुकसान देती हैं फिर और आपको खबर भी नहीं होती कि आपको नुकसान पहुँच गया है क्योंकि बॉसेस बाहर आल आपको नुकसान पहुंचाने की सलाहियत तो रखते हैं अगर आपको फ़ायदा पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं या नहीं भी रखते नुकसान पहुंचाने की सलाहियत बहरहल रखते हैं आई हैव सीन इंस्टेंसेस कि जहाँ पे लोगों ने लोगों के करियर डिरेल कर दिए हैं नहायत खामोशी से और बाहिर वो बड़े कमज़ोर से लोग थे बॉसेस और उनकी को खास उस तरह से देवर इन कॉम्पिटेंट ऑल्सो बट बिकॉज देवर इन अटन पोजिशन उस पोजिशन को इस्तेमाल करके उन्होंने ऐसी गुफ्तू कर ली उन्होंने ऐसा उन्होंने मामला खड़ा कर दिया कि जिसकी वजह से उन्होंने लोगों के करियर डिरेल कर दिए ज्यादती कर दी लोगों के साथ उन्होंने और लोगों को पता भी नहीं चला कि उनके साथ असल में क्या हुआ लेकिन बहरहाल ये है ये कॉरपोरेट वर्ल्ड के तमाम तमाशे हैं जो होते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड को सर्कस से कम तो नहीं होता तो बहुत कुछ चलता है वहाँ पर एनी सो अपना मामला ठीक रखिए उनका मजाक मत उड़ाइए उनके साथ चलने की कोशिश कीजिए जो वो बेहतर बातें कहते हैं वो ज़रूर कर लीजिए जो ऐसी बातें हैं जो आप समझते हैं कि वो नुकसान दे देंगी उनको उनको कहीं पे छुपा लीजिए और जो आपके ठीक काम है उनको जारी रखिए अपनी पर्सनालिटी को इंटैक्ट रखिए और स्विच करना यहाँ पर कोई अर्जेंसी नहीं है लेकिन अगर आपको कुछ अरसे के बाद ये लगे कि शायद यहाँ पर मुस्तिल देर रहने से या देर तक रहने से शायद आप, आपको नुकसान पहुंच जाएगा तो फिर आप स्विच कर लीजिए न्यूरोन गुड टाइम आप कंसिडर कर लीजिए और जो मुनासिब आपको लगे कर लीजिए अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ ता फरमाए अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो हम सब का नासिर हो हामी